ऐसा सब जो यहाँ सुनते हैं ना तो मन करता है ऊटा चार तबड़ा का लगाए खींच बुरा मत मानिएगा बहुत सारी लड़कियों के मुंह से सुने है ना कि इनके साथ मैनेज कर लेंगे हमको काम दे देंगे को मैंने इसलिए कहा था एक जातिवाद के अलावा कुछ गई में नहीं करता है अच्छा अपने आपको थारान स्टार बता रहा है बबुआन का भड़वा है मंडल का भड़वा है बाद में और जाति का मतलब खत्म है जब हमसे हावी हो जाए तब हमारे लिए थाना पुलिस है वरना आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए महाभारत में सिखाया गया है और ऐसे सब लोग मिले तो दिन दहाड़े हम जान से मार

पे आदमी रेंगता है मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन सी इसमें घटिया लकीर है जिसमें लोग रेंगेंगे लेकिन आप भी तो अश्लील गाने गाती और ये है अरे की गई नहीं गो गाना के तो फाटल के तो जाना के है कि मैं बहुत सारे यूट्यूबरों का घर चलाती हूँ बोलना नहीं चाहूंगी लेकिन ये सच लेकिन है मैम कहीं ना कहीं उन से भी आपको टीआरपी मिलती है और उन का भी बहुत बड़ा योगदान है, आपको नाम ना ही किसी के पास गिड़ के किसी के सामने किसी के बेड तक जाकर के ये चीज हमारे पास नहीं आई मैडम आप आठ साल से हैं सोचिए आप कितनों से मैनेज की होंगी इस बात का जवाब है आपके पास और हमारे पास आपका से लेकर सबूत तक है मैं वीडियो दिखा दू तो बैन हो जाए नहीं तो... नहीं, नहीं, <laughs> में में थे जब मैं, दिल्ली स्टेशन थी, और मैं उसी टॉयलेट के गेट पे बैठ करके दिल्ली स्टेशन आई हूँ और इसी दिल्ली स्टेशन में मैं तीन दिन बिताई हूँ वो भी जो इसमें हम लोग बैठते हैं उसपे सो करके सर पेट की आग ऐसी थी ना कि फेंका वो रोटी खाए हम मुझे बेचने तक का प्लान बना दिया गया था अरे भाई कमियां है तो रहने दो ना

कहल बबी एकरा से गंदा त हम नहीं है हो कब इससे गंदा अपने सुन लिया ना दिमाग कहा गया गुस्सा आया जी जी। जब ये लोग बैन नहीं हो सकते तानिया जा क्यों ढोड़ी में बत्तीस जीबी रैम सेम सेम बा, बा बैन नहीं हो सकती बता रहा रंडी के नाच देखे बैन नहीं हो सकती ढोड़ी के नीचे सोर लुधियाना बा बैन नहीं हो सकता दस देखे किस ला बीस देखे बीस ला पांच सौ हजार देखे से चीख ला ये बैन हो जाएगा हमारे महीने का खर्च एक लाख रुपया है हमारे रूम पे पहुँचा जाइएगा तानिया जा आज के बाद भोजपुरी में एक गाना नहीं गाएगी मैं सुन्य हूँ सुने भले ही कुछ नहीं होता लेकिन जिसके आगे लग जाता है ना वो बड़ा किस्मत वाला हो जाता है उस लड़की ने कहा कि भोजपुरी में कितनों के साथ की होगी छह महीना में आई है तो जब तक आप मुझे उंगली नहीं कीजिएगा मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी मुझे बेसिकली आप उंगली मत शेर कब तक खामोश रहेगा क्या मैम आ... किसी स्टार ने या किसी कलाकार ने डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर ने कभी हिम्मत ऐसी की है की आपको कभी ऐसा कुछ ऑफर किया हो मैम भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी गायिका है अच्छा गाती है नाम भी है लेकिन उनको लेके इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती विवाद नहीं होता जितना आपके नाम को लेकर होता है आखिर क्यों मैम भोजपुर इंडस्ट्री में आपने ऐसा कोई नहीं, जिसे नहीं है उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही दूसरे तरीके से इंटरव्यू करता हूँ नमस्कार जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है चर्चा में और आज शायद आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे साथ चर्चा में कौन है जी हाँ दोस्तों कभी विवाद इनके पीछे तो कभी ये विवाद के पीछे बहुत ही कम समय में इन्होंने अपना नाम अपने मेहनत के दम पे कहिए या फिर अपने टैलेंट के दम पे कहिए या फिर कंट्रोवर्सी के दम पे कहिए जो भी हो नाम तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बन गया है और उस नाम का नाम है तान्या झा जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ अभी भोजपुरी इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी तानिया झा मौजूद है आज इनके साथ चर्चा करेंगे नमस्कार मैम आपका स्वागत है चर्चा में सबको नमस्ते प्रणाम जितना देख रहे हैं मुझे जितना ने प्यार करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू और चर्चा न्यूज से जितना मुझे देख रहे हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है मैम क्या कहना चाहेंगी कि साल साल से पंदर -पंदर साल से बहुत सी फीमेल आर्टिस्ट हैं सिंगर हैं जो कि स्ट्रगल कर रही हैं अभी उनके पास एक स्कूटी तक नहीं है और आपके पास अठारह लाख की गाड़ी क्या रिएक्शन है आपका कुछ नहीं बहुत खुशी हुई है कि इतने कम समय में बीस साल के लिए उसमें बीस लाख की गाड़ी चढ़ना आम बात नहीं होती है सर और दूसरी बात की ये मैंने ना ही कंप्रोमाइज़ करके और ना ही किसी के पास गिड़गिड़ा के किसी के सामने किसी के बेड तक जा के ये चीज़ें हमारे पास नहीं आई है हमारा रिकॉर्ड है जहाँ मैं हूँ यहाँ से ही मैं उठी हूँ ये चीज़ें शायद आपको भी पता होंगी जहाँ आप आए हुए हैं और यहाँ से एक साल पहले हमारी ज़िंदगी अगर एक साल में बैक जाऊँ ना तो मेरी ज़िंदगी बदतर थी जिस इंसान जो जिंदगी मुझे यहाँ के कुछ लोगों ने दी है कहिए कि मेरी जिंदगी यहाँ के कुछ लोगों की देन है और रही बात की सर ये चीज़ है, हमारे पास मेहनत के दम पे है वरना अभी तक मेरा मार्केट में बहुत कुछ होता मैम जैसा कि आपने कहा कि बीस साल आयु में आप 20 साल की गाड़ी चढ़ रही देखी कोई देखी। बहुत बड़ी बात नहीं है और मैंने ये अपने मेहनत के दम पे हासिल किया है बेड शेयर करके या कंप्रोमाइज करके नहीं तो जिनके पास गाड़ी है तो क्या उन्होंने किया है, किया जी नहीं इतने कम समय में आपने कहा ना आपके क्वेश्चन का मैंने ये जवाब दिया कि इतने कम समय में जिनके पास है वो देखिए बहुत दिन से मेहनत कर रही हैं दस साल पंद्रह साल बीस साल पच्चीस साल उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ मैं अपने आप को कभी भी कुछ नहीं समझती हूँ ठीक है मैं शून्य हूँ सुनिए भले ही कुछ नहीं होता लेकिन जिसके आगे लग जाता है ना तो वो बड़ा किस्मत वाला हो जाता है तो मैं अपने आप को हमेशा जितना आपके नाम को लेकर होता है आखिर क्यों एक चीज जानी ना जी। हमेशा चर्चा ब्रांड चीज की होती है ठीक है वरना हमारे जैसे या फिर हमारे नाम के जैसे दुनिया में बहुत सारे इंसान है सबका क्यों नहीं होता जहा देखिए तान्या झा जा। जहाँ देखिए तान्या झा और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं बहुत सारे का घर चलाती यूट्यूब बोलना नहीं चाहूंगी लेकिन ये सच है और आप भी देख रहे हैं अच्छे अच्छे आदमी अपडेट बता दू ना तो आप कहेंगे अरे यार ये तो बहुत दिन से वीडियो बना रहा है इनका क्या कहना है तो उन उन इंसान मेरे पास आते हैं ना जानते हैं सर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मैडम एक वाइट दे देते ना प्लीज अब मुझे ना भी बोले मैं नहीं बनता मैडम मतलब ट्रेन के गेट पे बैठ के आए मैडम प्लीज समझिए ना मैडम लेकिन मैम कहीं ना कहीं उन से भी आपको टीआरपी मिलती है और उन यूट्यूबरों का भी बहुत बड़ा योगदान है आपको स्टार बनाने में ये तो आप मानेंगे बिल्कुल उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ मैं आम पब्लिक मैं आप लोगों के बिना कुछ नहीं हूँ तानिया झा क्या है अगर मीडिया ना हो या फिर फोन ना हो इंटरनेट काम ना करे तो तानिया क्या है कौन है तानिया

सही है ना तो डंके की चोट पे कहिए कि मैं सही हूँ और अगर मैं गलत हूँ ना तो मैं डंके की चोट पे कहूंगी कि मैं गलत हूँ अरे भाई कमियाँ है तो रहने दो ना खुद को खुदा थोड़ी बनाना है कमियां सब में होती है और मेरा बस एक ही फंदा सर आपने कहा ना कि आप वीडियो है वायरल कर दूंगी कोई हमारी माँ बहन को गालियां दे रहा है तो वो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में और सेम अगर मैंने दिया तो बहुत बुरा लगा तो सर उस इंसान को ये सोचना चाहिए कि जब मैं उसे कह रही थी तो उसे कितना बुरा लग रहा होगा जितना अभी मुझे लग रहा है उस लड़की ने कहा कि भोजपुरी वो कितरो के साथ माइनेज की होगी छह महीना में आई है तो मैडम मैं उनसे एक बात आप चर्चा न्यूज से कहना चाहूंगी मैडम मैं छह महीने से वायरल हूँ मैं मैं तीन साल से हूँ मान लीजिए जाए भोजपुरी में ये बात किसने कही आपको मैडम आप आठ साल से हैं सोचिए आप कितनों से मैनेज की होंगी इस बात का जवाब है आपके पास और हमारे पास आपका प्रूफ से लेकर सबूत तक है मैं वीडियो दिखा तो बैन हो जाए ऐसा चैनल चैनल बंद बंद हो जाए नहीं तो... हमारा नहीं, नहीं, <laughs> और रही बात सर की मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहती हूँ लड़की है अपने मान मर्यादा में रह मैं भी मान मर्यादा में हूँ जब तक आप मुझे उंगली नहीं कीजिएगा मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी मुझे बेसिकली आप उंगली मत के शेर कब तक खामोश रहेगा सिर आप शेर है या फिर उंगली मत के देखिये हम कुछ भी है मेरी माँ मुझे पैदा की है उनको पता है कि उन्होंने क्या चीज को पैदा किया है और पूरी दुनिया जानती है कि अंजू देवी ने किसको पैदा किया अच्छा प्रीतम जाने किसको पैदा किया है दुनिया को अच्छे से पता है वरना सर हम जो लोगों की इतनी इज्जत में बुरा मत मानिएगा कि लड़की थी हमारे पास काम के लिए थी दीदी मुझे रख लीजिए ना मेरे मम्मी गांव में गोबर ठोकती है मैंने बोला बाबू मुझे लड़कियों पे भरोसा नहीं है सर पक्का एक एक सप्ताह के बाद उसके पास आईफोन था पंद्रह हजार का फ्लैट था हॉट हॉट ड्रेस था तो सर अगर यूट्यूब पे उसका एक भी गाना नहीं है बता सकते हैं कि पैसा कहाँ से आता होगा उसके पास इसका जवाब आपके पास भी नहीं होगा नहीं। और जिस होटल में मैं रुकने जाती हूँ ना आपको कसम बताऊं मैं उसी दुविधा में होटल में रुकने जाती हूँ ना पटना की बात बताती हूँ अगर मेरा बारह कभी स्टूडियो में बच जाए ना हम सीधा बारह बज के एक मिनट होता है ना तो होटल को कॉल करते हैं तुरंत भैया रूम रखेगा आ रहे हैं उस होटल में जाने के बाद जा, आप एक दस बार चले जाएगा ना बन जाता है अरे मैडम वो आई थी मैडम वो आई थी इनके साथ अरे कौन लड़के थे उस दिन वो उनके साथ नहीं आई थी तो हम लोग कुछ समझ में नहीं आता हम लोग पागल थोड़ी है सर कौन क्या कर रहा है ये चीजें मुझे अच्छे से मालूम है मैं इस चीजों को अच्छे से जान रही हूँ कि कौन क्या कर रहा है जी। ठीक है। लेकिन फिर भी मैम इतना आके ओपनली पर्सनल किसी के लाइफ के बारे में बोलना चलिए जो आपके बारे में बोलता है उसका तो ठीक है लेकिन आप बड़े बड़े स्टारों का भी नाम लेती है खेसाई लाल यादव और भी बहुत सारे ऐसे स्टार हैं उनको भी आप सोशल मीडिया पे तर अब तरीके से टिप्पणी करते हैं आप किसी की जब आलोचना करते हैं तो संयमित के और अच्छी भाषा का भी उपयोग कर सकती हैं मैंने बहुत बार सही देखिए बुरा कौन बनता है जो अच्छा बनके थक गया हूँ ठीक है दूसरी बात अगर आप में गलती है ना ऐसा नहीं कि मैंने बस खेसारी लाल पवन सिंह को ही बोला है। नहीं। मैंने भी आप कहते आपके खींचे हुए लकीर पे आदमी रेंगता है मैं जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी इसमें घटिया लकीर है जिसपे लोग रेंगेंगे खेसारी लाल की आपने बात की उनको मैंने गाना वो चुरा के गाए थे कि दढ़िया बोहिया लगेला उस मैटर पे मैंने उनको कहा था टून टून

चमरान जी के के बोल दी जी के के बोल रे पासवान कोई बोल दी तो चमरान जी गोली ठोक दी रहे तो कौन सा गाना है लेकिन मैम अगर ये लोग अश्लील गाते हैं गलत गाते हैं तो आप भी तो कहीं ना कहीं बहुत से गाने अच्छे भी गाए हैं आपने भाई रिस्पॉन्स ना मिला हो उसका वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है क्या सुनेगी वो लेकिन आप भी तो अश्लील गाने गाती है बिल्कुल मैं गाती हूँ और इस चीज का मैं जवाब देती हूँ मैं क्यों गाती हूँ मेरा सिंगल गाना एक भी गंदा नहीं हो सकता है सर सिंगल मेरा जितना आता है सब एक से एक बेस्ट और बंपर आता है भले उसका व्यू मिले या ना मिले सिंगल एक ही मेरा एक गाना या या ये आया है इधोणी बदन बदनाम बटे रोही बदनाम रे चीला चाहे चाटा चौली रही रे इी बदनाम बटे रोही बदनाम रे एकदम परफेक्ट गाना मैंने गाया है तो बहुत और डू एट की मैटर की बात कीजिए सर अच्छा सर एक बात जानना चाहेंगे लड़कों को इस लाइन में कौन सपोर्ट करता है लड़कियां तो अपने जिसम के दम पे अपने अरे सर बुरा मत मानिएगा बहुत सारी लड़कियों के मुंह से सुने ना कि इनके साथ मैनेज कर लेंगे हमको काम दे देंगे एकदम तो ओपन बोल रहे हैं जिनको पूरा लगेगा देवी जी माफी चाहेंगे आप लोगों से लेकिन आप लोगों को नहीं कह रहा अगर आप लोग नहीं है ना तो आप लोगों को नहीं कह रहा जो है उनको कह रहे हैं वो समझ रही हूँ कि मैं किनको कह रही हूँ एक चीज जानते हैं सर सीधा कहते हैं इनके साथ मैनेज कर लेंगे ती काम देंगे अपने बॉयफ्रेंड के साथ करते हैं तो कुछ नहीं होता इनके साथ करेंगे तो काम दे देंगे ऐसा सब जो यहाँ सुनते हैं ना तो मन करता है उठ यार चार तबड़ाक लगाए खींच के ऐसे सब लड़कियों को सर संगीत रियाज की चीज है ये मेहनत की चीज है मैं किसी के साथ मान लिया जाए बहुत सारे लोग कहते हैं तानिया झा माइनेज कम्प्रोमाइज के लिए भी तानिया झा अभी भी माइनेज करने के लिए तैयार है बकायदे वो मुझे सुर दे दे ताल पे मुझे आप दोगे पांच के सामने हाथ जोड़ के लेकिन सुर जो है ना सर वो आपका बाप भी मुझे नहीं दे सकता जो कि मुझे रियाज करने से ही आएगा चार बजे भोर में जब करके क्या मैम आप... कभी किसी स्टार ने या किसी कलाकार ने डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर ने कभी हिम्मत ऐसी की है कि आपको कभी ऐसा कुछ ऑफर किया हो कम्प्रोमाइज तो मैं दिल्ली ऐसे शहर में भटकी हूँ आप मेरी पिछली कहानी नहीं जानते हैं सर अगर जानते ना तो आप ये क्वेश्चन ही नहीं करते यही पटना में आज से चार साल पहले मैं आई थी तो मुझे क्या कहा गया था मालूम है तानिया तुझे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर कोई पैसा क्यों लगाएगा तुम कौन लगती हो किसी की उस समय सर मेरे पॉकेट में मात्र में तीस रुपए थे जब मैं दिल्ली स्टेशन आई थी और मैं उसी टॉयलेट के गेट पे बैठ करके दिल्ली स्टेशन आई हूँ और इसी दिल्ली स्टेशन में मैं तीन दिन बिताई हूँ वो भी जो इसमें हम लोग बैठते हैं उस उसपे सो करके सर पेट की आग ऐसी थी ना कि फेंका वो रोटी खाएं हम मुझे बेचने तक का प्लान बना दिया गया था ठीक है देखिए जवान लड़की अगर एक से दो घंटा कहीं रह जाए ना तो ये दुनिया ऐसी है कि लोग उस पे गलत नजर डाल लेते हैं और तीन दिन तो सर हमने ओवर बता दिया यही ठंडी का समय था एक पतला टी शर्ट और एक जींस था हमारे शरीर पे आज हमारे पास अगर इतनी संपत्ति है तो मेरी मेहनत की देन है मैं वो दिन को झेली हूँ एक समय था कि हम सत्तू पीसने के लिए देते थे सर नो चार दिन पे सत्तू देता था मैं उस दिन को झेल करके यहाँ आऊ तो वही सारा गुस्सा वही सारा फ्रस्ट्रेशन आज नहीं आप कहीं निकालती तो नहीं सबके ऊपर नहीं ऐसा नहीं है जिन लोगों जो लोग मेरे नज़र में खटक गए सर वो माफी मांग लेंगे माफ कर दूंगी लेकिन यहाँ जो लग जाता है ना सर नहीं। वो नहीं खत्म होता बहुत से लोगों का मैंने इंटरव्यू किया लेकिन जब आपका जिक्र आता है तो मैंने उनसे सवाल आपके बारे में भी किया तो कई लोग आपसे हेट करते हैं हेट मतलब ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं मैं चाहती हूँ तानिया झा बैन हो जाए तानिया झा भोजपुरी में ना गाएं ऐसे भी लोगों ने कुछ बोला है अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा तो और एक चीज है कुछ लोग कहते हैं कि इस समय अगर अश्लीलता कोई प्रमोट कर रहा है ब्रांड एम्बेसिडर है भोजपुरी में तो वह है तानिया झा

दिमाग कहा गया गुस्सा आया जी, जी। जब ये लोग बैन नहीं हो सकते बत्तीस जीबी रैमे ब्लूटूथ नहीं हो सकती बता रंडी के नाच देखे बैन नहीं हो सकती ढोड़ी के नीचे शहर लुधियाना बैन नहीं हो सकता दस देखे किस ला बीस देख बीस ला पांच सौ हजार देखे ओ में से चीख लो ये बैन हो जाएगा ये सर जानते हैं ये गाना अगर कोई और कलाकार गाता ना तो बहुत बढ़िया दिक्कत ये छोटे कलाकार का गाना बज गया ये मैटर सबसे ज्यादा कर रहा है और जिनको लगता है कि तानिया झा भोजपुरी में नहीं रहनी चाहिए नहीं। उन भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे महीने का खर्च एक लाख रुपए है हमारे रूम पे पहुँचा जाइएगा तानिया झा आज के बाद भोजपुरी में एक गाना नहीं गाएगी अच्छा मैम आप गाना गाती है तो ठीक है अभी आपने गाना गाया था अपने विरोधियों को जवाब देते हुए उस गाने का कुछ था की

अरे मर देख रहा है कि कुछ होगा सुन ली जब हमसे हावी हो जाए तब हमारे लिए थाना पुलिस है वरना आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए महाभारत में सिखाया गया है और ऐसा सब लोग मिले तो दिन दहाड़े हम जान से मार दे बहुत जल्दी हम अपने नाम पे लाइसेंस ही करवाने वाला है छह महीना के अंदर तो अच्छा डर के रहना पड़ेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है

लिप्सिंग हाँ, में खड़ा होके गा रहा है उस गाने में झूम रहा है अरे आप उसकी बात करें वो इंसान मुझे भोजपुरी में गाने सिखाया है उसको बच चम समझिएगा साल उम्र है उनकी चौबीस साल की एज है उनकी अच्छा वो मेरे भाई हैं दूसरी बात एक बात और बता दूं वो प्रयागराज से और चंडीगढ़ से उनका संगीत कंप्लीट है उनके सामने अच्छे अच्छे नहीं बैठ सकते हैं जो छोटा सा बच्चा दिखता है उस वीडियो में बच्चा नहीं है कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं एक छोटा सा बच्चा है हाँ जी हाँ जी डांस कर रहा है हाँ। अरे उसकी बात करो तो मेरा फैन है हाँ। और जो गाय हैं वो मेरे भैया नहीं गाने वाले नहीं जो छोटा सा बच्चा है उस गाने में आपके साथ साथ में नाच रहा है झूम रहा कहीं ना कहीं इससे असर बच्चों पे गलत जाता है जी नहीं दहिया में लटके जाता का हमारा सलीलता शलिलता और अगर दहिया मे लटका तो हम गाते नहीं तो दहिया में बच्चों को लेके तो नहीं गाते ना साथ में अच्छा कलाकारी लाइन में कोई बच्चा या बूढ़ा नहीं होता आपको ये चीज पता होना चाहिए कलाकारी में अगर मैं स्टेज पे गा रही हूँ मेरे पापा भी नीचे से गएंगे चोली साहे गाने तो हम गाएंगे क्योंकि वो मेरे लिए दर्शक है और हम एक कलाकार है तो वो भी मेरे लिए कलाकार है ठीक है पीछे जितने लोग बैठे हैं वो पागल तो है नहीं बड़े लिखे होंगे तो खैर देखिए सर और सलीलता कहीं कुछ नहीं है गाना एक एंजॉयमेंट के लिए सुना जाता है फ्री टाइम में ही गाना सुन सकते हैं बिजी समय